उत्तराखंड की धामी सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है। सरकार की मंत्रिमंडल में आबकारी यानी एक्साइज पॉलिसी के साथ कई और अहम फैसले लिए गए। पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी मैनुअल पर मुहर लगा दी। इसके तहत सिक्योरिटी एजेंसी की ड्रेस पुलिस और आर्मी से अलग किए जाएंगे। विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में करने, नई आबकारी नीति को मंजूरी देने के साथ 4000 करोड़ के लक्ष्य को 4400 करोड़ बनाने, टॉप 50 यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने वाले उत्तराखंड के मेघावी छात्रों को 50,000 रुपए स्कॉलरशिप देने, NIRF के टॉप 50 संस्थान में 100 छात्रों को एडमिशन देने, पंतनगर हवाई पट्टी के रनवे को 3000 मीटर तक बढ़ाने, पदों की योग्यता के हिसाब से भर्ती खुले बाजार से भी करने, किसी भी राज्य से उत्तराखंड के शहरों की हवाई कनेक्टिविटी आसान करने के लिए पिथौरागढ़ की तरह उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम UCS लाने और किराए व कनेक्टिविटी पर फैसला लेने के लिए समिति बनाकर PSU को सीधे काम देने का फैसला भी किया गया है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।